गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए EVS में हम लोग लास्ट क्लास में यहाँ टेलीफोन तक कंप्लीट किए हुए थे, तो आज हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कंप्यूटर। देखिए, तो टुडे द कंप्यूटर हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, आजकल जो है कंप्यूटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बन चुका है। द इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल जिसे हम कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल है, एंड इंटरनेट। और इंटरनेट के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, जैसे अभी आपको आप पढ़ भी रहे हैं, ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हैं, वो भी एक इंटरनेट के थ्रू है। और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट वर्क्स थ्रू द कंप्यूटर। तो ये दोनों जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि कंप्यूटर या मोबाइल के थ्रू भी काम करता है। ओके, तो क्या है, वी कैन सेंड वीडियोज, पिक्चर्स, लेटर्स, बुक्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक हम वीडियो, पिक्चर, लेटर, बुक्स, बहुत सारे कुछ भेज सकते हैं। वी कैन इवन चैट विथ आवर लव्ड वंस ऑन कंप्यूटर। हम लोग एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। चैट मतलब जो मैसेज करके बात करते हैं उसको कहा जाता है। ओके, अब आया मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन देखिए क्या होता है, लेटर टेलीफोन, मोबाइल फोन्स एंड कंप्यूटर्स आर नोन एज पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो लेटर है, टेलीफोन है, फ़ोन, कंप्यूटर। देखिए, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं और या फ़ोन पर हम बात करेंगे, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ही बात हो सकता है, बहुत कोई नहीं सुन सकते हैं। या लेटर किसी को भेजते हैं, जिनको भेजेंगे उनके पास जाएगा, वो पढ़ेंगे, उनसे बात होगा। मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, तो ये सब होता है पर्सनल, जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं। दे आर यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन टू पीपल और स्मॉल ग्रुप। ये क्या होता है, दो व्यक्ति या छोटे से ग्रुप में, छोटे समूह में बात करने के लिए यूज़ होता है जो चीज़, उसको पर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। मास कम्युनिकेशन क्या है, मास कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग मैसेज एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। लेकिन मास कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है, मास कम्युनिकेशन होता है एक समय पे बहुत ही मात्रा में जो लोग होते हैं, या बहुत लोग तक खबर पहुँचाना या बात करना या कोई न्यूज़ देना। जैसे कि न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न आर द मेन मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। जैसे कि न्यूज़पेपर, रोज़ न्यूज़पेपर सुबह में आता है, सेम न्यूज़पेपर में जो भी छपा हुआ रहता है कितने आदमी के पास जाता है और सबको सेम चीज़ पता चलता है, जो जो पढ़ते हैं। रेडियो, एक साथ रेडियो पे जो भी खबर आएंगे, जो भी सॉन्ग होगा या जो कुछ भी बज रहा होगा वो सुन सकते हैं। टीवी पे सेम टाइम पे जिनके जिनके घर पे टीवी है वो सब चलता है। तो ये लार्ज कम्युनिकेशन है, जो एक साथ बहुत सारे लोग, एक बार में बहुत सारे लोगों तक कोई बात पहुंचाते हैं। ओके, न्यूज़पेपर देखिए क्या है, न्यूज़पेपर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ न्यूज़ फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर क्या होता है, हमारे पूरे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से बहुत प्रकार के खबर जो है वो लेके आता है। दे रीच द पीपल इन जस्ट वन डे, और एक दिन में ही एक आदमी से बहुत आदमी तक पहुंच जाता है। ओके, तो न्यूज़पेपर आज द मीन्स ऑफ, चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन देखिए, न्यूज़पेपर को क्या कहा गया है, चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत सस्ता भी होता है और थोड़ा देर से पहुंचता है। ठीक, टीवी, रेडियो में तो तुरंत कोई खबर आया, कहीं पे कुछ दुर्घटना या कोई घटना हो रहा है तो हमको लाइव टेलीकास्ट मिल जाता है, तुरंत पता चल जाता है। बट न्यूज़पेपर में आज जो हुआ उसको कल के लिए वेट करना पड़ेगा, छपेगा, आएगा तब। ठीक, रेडियो क्या है, रेडियो इज़ द फर्स्ट वायरलेस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज़ यूज टू सेंड मैसेज दैट कैन ओनली बी हियर्ड। तो रेडियो क्या है, रेडियो जो है फर्स्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वायरलेस, फर्स्ट वायरलेस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें बिना तार का भी चलता, देखते होइएगा हमारे दादा जी के पास या उनके भी पापा के पास ये सब रहता था, जिसमें वो लोग मैच सुनते थे, सॉन्ग सुनते थे या खबर आता था वो सुनते थे। ओके, इट इज़ यूज टू सेंड मैसेज दैट कैन ओनली बी हियर्ड। यहाँ पे देखा नहीं जा सकता, जैसे टीवी पे हम देख सकते हैं, रेडियो पे हम नहीं देख सकते, वहाँ पे सिर्फ सुन सकेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, वी कैन ऑल्सो हियर म्यूजिक, प्लेज एंड स्पोर्ट्स कमेंटरीज ऑन इट्स। तो यहाँ पे हम लोग सॉन्ग भी सुन सकते हैं,
कोई मैच भी सुन सकते हैं और बहुत सारे कमेंट्रीज होते हैं वो। अब आया टेलीविज़न। टेलीविज़न इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीविज़न को मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है और आजकल तो ये घर घर में है। थ्रू टेलीविज़न वी नॉट ओनली गेट द न्यूज़ बट ऑल्सो सी द पर्सन गिविंग द न्यूज़। यहाँ पे हम लोग ना सिर्फ न्यूज़ सुन सकते हैं, यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि कौन पर्सन न्यूज़ दे रहा है। ओके, रेडियो एंड टेलीविज़न ऑल्सो ब्रिंग टू अस मेनी प्रोग्राम्स ऑन एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड स्पोर्ट्स। तो रेडियो और टेलीविज़न जो है इससे हम लोग को बहुत अच्छे प्रोग्राम भी देखने को मिलते हैं जो एजुकेशन से जुड़ा है, एग्रीकल्चर, स्वास्थ्य, खेलकूद, इन सब से जुड़ा हुआ है, मनोरंजन के लिए भी है। दे अलाउ अस टू सी लाइव इवेंट्स इन द कम्फर्ट ऑफ आवर हाउस। यहाँ पर हम लोग लाइव भी देख सकते हैं, कहीं पर कुछ लाइव चल रहा है तो घर बैठ के हम लोग आराम से देख सकते हैं। ठीक, तो सम मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसे आप अच्छे से रीड देंगे और इसे आप अच्छे से रीड करेंगे बुक में, अच्छे तरह से समझेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और इसको आप अपने कॉपी में लिखिएगा। ओके, लर्न भी करना है।